अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम, प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी के एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी YouTube वीडियोस में सबटाइटल्स या कैप्शंस कैसे ऐड कर सकते हैं। सबटाइटल्स या कैप्शंस क्या होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा YouTube वीडियोस में। इसके अलावा आप टेलीविजन वगैरह पे या कहीं पे भी आप अगर वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं तो उसमें अक्सर क्या होता है कि जो लैंग्वेज बोली जा रही होती है वही लैंग्वेज नीचे लिखी भी आ रही होती है, या जो लैंग्वेज बोली और जो आ रही है और नीचे जो हमारे पास रिटन फॉर्म में आ रही होती है वो किसी और लैंग्वेज में होता है। दरअसल उसको हम बोलते हैं, जो नीचे हमारे पास रिटन फॉर्म में लिखा आ रहा था उसको हम बोलते हैं वीडियो के कैप्शंस या सबटाइटल्स। अब ये दरअसल क्यों लगाए जाते हैं, ये अक्सर लगाए जाते हैं व्यूवरशिप को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो व्यूवर होता है उसकी नेटिव लैंग्वेज है वो वीडियो वाली लैंग्वेज नहीं होती, या वो उसके एक्सेंट को मैच नहीं कर रहा होता और उसको बात की समझ नहीं आ रही होती, और अगर वही बात रिटन फॉर्म में उसको मिल जाए तो उससे काफ़ी हद तक उसको अंदाजा हो जाता है कि वीडियो में क्या बात की जा रही है। अब हमारे पास YouTube वीडियोस में आप दो तरह से कैप्शंस या सबटाइटल ऐड कर सकते हैं। पहली बात तो ये होता है कि वीडियो एडिट करने के दौरान जो है आप उसमें कैप्शंस ऐड कर दें। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने ये एक वीडियो अपलोड की हुई है और इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि जो जो इसमें परफॉर्म में कर रहा हूँ तो वो मैंने सास रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इससे भी फायदा हो जाता है कि व्यूअरशिप बढ़ जाती है। दूसरा तरीकेकार क्या होता है कि आप अपनी वीडियो में सबटाइटल बकायदा तौर पर ऐड कर देते हैं, जो कि आप अपनी वीडियो को अपलोड करते टाइम भी कर सकते हैं और इसके अलावा वीडियो अपलोड करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं अगर अपनी लोकेलिटी के हिसाब से बात करूं तो पाकिस्तान और इंडिया में अक्सर जो है उर्दू या हिंदी में जो हमारे पास वीडियोस बनाई जाती हैं, और अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा भी हमारे बाकी कंट्री से भी व्यूज़ आएँ हमारी वीडियोज़ पर, तो इसके लिए बेस्ट यह है कि आप उसमें सबटाइटल ऐड कर दें, क्योंकि अगर सबटाइटल ऐड नहीं होंगे और आपकी वीडियो जो है वो USA UK में अगर कोई ओपन करता भी है तो उसको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, वो उसको फॉरन क्लोज कर देगा। लेकिन अगर आपने इसमें सबटाइटल ऐड किए होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यूज़र स्टे कर सकता है आपकी वीडियो को, अंडरस्टैंड करने के लिए वो सबटाइटल्स का सहारा ले सकता है। इसके अलावा सबटाइटल हमारे पास वहाँ पे भी हेल्प करते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो व्यूअर होता है वो किसी ऐसी कंडीशन में होता है जहाँ पे वो ऑडियो प्ले नहीं कर सकता, तो वहाँ पे क्या कर सकता है कि वो इसको म्यूट करके सबटाइटल से काम चला सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारी तादाद में ऐसे लोग भी होते हैं जो डिसेबल होते हैं और वो आवाज़ सुन नहीं सकते, तो वो सबटाइटल्स को पढ़ के वो समझ सकते हैं कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप सबटाइटल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। खास तौर पे मैं फोकस करूंगा कि आप हिंदी या उर्दू में जो आपने वीडियो बनाई होती है तो उसके आप सबटाइटल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। खासतौर पे मेरा फोकस होगा आपको ये बताने के लिए कि आप अपनी वीडियोज़ में इंग्लिश में सबटाइटल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम अपने चैनल पे आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से YT स्टूडियो में जाना है या मैनेज वीडियोस पे आपने क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे आपके पास वो तमाम वीडियोस आ जाएंगी जो आपके चैनल पे मौजूद है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसपे आप सबटाइटल लगाना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी डिटेल्स पे जाना है। और एक बात आपको बताता चलूँ कि जब वीडियो आपने अपलोड की होती है या आप उसको अपलोड करने के बाद भी ये ऐड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड करते टाइम भी ऑप्शन आता है और उसके अलावा भी। तो ये वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तो ये मैंने ये चीज़ सेलेक्ट कर दी थी कि वीडियो की मेरे पास लैंग्वेज है वो उर्दू है और इसमें जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो मेरे पास इंग्लिश में है। तो अब जब इसको मैं ऐड करने पे जाऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे कहा जाएगा कि आप अपने इंग्लिश में सबटाइटल्स जो हैं वो ऐड करें। तो क्या करना है कि आपने यहाँ से सबटाइटल्स पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो ये अब मेरे पास आ रहा है कि वीडियो की जो लैंग्वेज है वो हमारे पास, यानी टाइटल और डिस्क्रिप्शन की, वो मेरे पास है इंग्लिश है और यहाँ पर सबटाइटल में मेरे पास आ रहा है ऐड की ऑप्शन। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे अब चार ऑप्शंस आ रही हैं। एक आ रही है अपलोड फाइल की, ये होता है कि अगर आपकी जो लैंग्वेज है ये मोस्टली तब यूज़ की जाती है जब आपने अपनी वीडियो में बोली भी इंग्लिश हुई है या कोई आपने ऐसी लैंग्वेज बोली हुई है और उसी लैंग्वेज में आपके पास जो है वो ऑडियो फाइल पड़ी है, वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकती है, वो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑटो सिंक्रोनाइजेशन की ऑप्शन होती है, इसमें भी क्या होता है कि आपने जो भी बातें की वो सारी आप लिख देते हैं और टाइमिंग सेट करने के बाद आप वो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ रही है टाइप मैनुअली, ये हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा जी, लास्ट वन ऑप्शन तब इस्तेमाल होती है जब आपने किसी एक लैंग्वेज में सबटाइटल ऐड कर दिए हो बाद में उसको ट्रांसलेट किया जा सके, तो टाइप मैनुअली का ऑप्शन जो है ये हमारे लिए बेस्ट होता है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। और अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि आपने यहाँ पे अपने कैप्शन लिखने हैं और यहाँ पे आपने उसका जो ड्यूरेशन सेट करना है, ड्यूरेशन जो है वो आप नीचे जो हमारे पास बाहर आ रहा है यहाँ से भी आप इजीली सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो सुनते जाएं और साथ साथ जो आप कैप्शन ऐड करते जाएं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन जो मुझे बेस्ट लगा वो ये है कि आप वीडियो को पहले वैसे सुने, आपके पास वीडियो आपके पास आपके डिवाइस में पड़ी होती है, आप यूट्यूब से सुन के आप क्या कर सकते हैं कि आप ड्यूरेशन लिखते जाएं और आगे सब टाइटल लिखते जाएं जो आपने ऐड करना है।
अब उसका फायदा ये होता है कि हो सकता है कि अगर आपको इंग्लिश खुद से नहीं आती तो आप किसी से ट्रांसलेट करवा के भी ये फाइल तैयार करवा सकते हैं। मैंने ये एक एक्सेल की फाइल तैयार की हुई है, आप इसको किसी और सॉफ्टवेयर भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, मीन्स कि ये किस टाइम मैंने लगाना है, और आगे मैंने कैप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा मैं, और ये मैं यहाँ पे तमाम के तमाम सबटाइटल ऐड कर दूंगा। जी तो स्टार्ट करते हैं कैप्शन लगाना। अब मेरे पास जो फर्स्ट वन आ रहा है ये चलता है मतलब स्टार्ट से शुरू होगा और ये तकरीबन 1 मिनट और 14 सेकंड तक यही है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं इधर पेस्ट करता जाऊँगा फर्स्ट कैप्शन। ओके, अब इसको मैं ले जाऊँगा क्योंकि 14 सेकंड तक यही है, तो इसको मैं 14 सेकंड तक जो है वो ले कर जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से आगे फिर मैं देखूँगा। ठीक है, यहाँ पर इंट्रो ख़त्म हो रहा है। ओके, तकरीबन ये इसको मैं देता हूँ 15 सेकंड तक। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट जो है वो 15 से मेरे पास स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वन, जो कि है जिसपे मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करूँगा और इसको इधर यहाँ पे ऐड करूँगा नया कैप्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता जाऊँगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने ये तमाम के तमाम ऐड करने हैं, और तो मैं ऐड करता हूँ और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसका प्रोसीजर। जी तो अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अपना लास्ट सबटाइटल, इसके मैं ड्यूरेशन सेट करूँगा, ये एंड तक चल रहा है, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद जो है इसको मैं वीडियो में आके पेस्ट कर दूँ। ये सारे हो चुके हैं, इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जी तो ये सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। हम क्या करते हैं कि YouTube में जाकर इसको चला के देख लेते हैं। जी तो अब ये ऐड चल रहा है, अभी मैं ऐड को स्किप करेंगे तो फिर हम देखेंगे वीडियो में हमें कैप्शन नज़र आएंगे। जी अब देख सकते हैं, और ये CC का ऑप्शन जो है ये भी ऐड हो जाता है जब किसी भी वीडियो में सबटाइटल्स ऐड कर दिए जाएं। जी तो ये एक बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार था जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी वीडियो में सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या क्यूरीज हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।